अभी हो जाता सत्यानाश, ब्लॉग बंद। वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज है 11th of September और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:12। तो आज मेरे भाई का बर्थडे है। मेरा भाई मतलब मैंने आपको, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो आपको पता है मेरे छोटका रहते हैं कोलकाता में, उनका बेटा, मेरा इकलौता भाई, उसका आज हैप्पी बर्थडे है। तो मैंने सुबह को उसको फ़ोन करके विश कर दिया है। कोरोना के मार्केट में जा भी नहीं सकती, आ भी नहीं सकती, तो इसके लिए और वीडियो कॉलिंग किया था। और आपने जो फर्स्ट क्लिप देखा उसमें मैंने जो टेबल को साफ़ किया था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो वही तब टाइम था 12:15, तब मैं वो कर रही थी। और उसके बाद से सोचा था कि आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन सोचा कि फ्री होने के बाद ही एकदम से बात करूँगी, क्योंकि पूजा आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा साफ़ सफाई चल रहा है, वहाँ थोड़ा सा साफ़ सफाई चल रहा है, तो मैंने सोचा कि निपटाने के बाद ही फ्री होकर बात करूँगी। तो इसके लिए, और अभी चिकू अभी उठा है, तो उसको मैं घर में कार्टून चला के बिठा के आई हूँ उसके लिए, पीडियाश्योर बनाने के लिए। और मैंने सोचा कि ये बनाते बनाते आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूं। ये देखिए, आप ये देख रहे हो ना, ये सॉस पैन ना अभी का नहीं है, ये सॉस पैन मेरे बचपन का है। मतलब मैं जब पैदा हुई थी तब मेरे बड़ों मामा ने मेरी माँ को गिफ्ट किया था ये। इसका एक ढक्कन भी है, ये गिफ्ट किया था और बोला था कि सुमन, जो मेरा डाक नाम है, उसको दूध पिलाना इसमें गर्म करके। और मेरी माँ ने रख दिया था, और शादी के बाद मैं लेके आ गई थी, और मेरी सासू माँ भी इसको रख दिया था, और चीकू होने के बाद उसको निकाला। तो अभी मेरा बर्थ के टाइम का गिफ्ट चीकू यूज़ कर रहा है। देखिए, ऐसा होता है, खिलौना, कपड़े, माँ का, पापा का, पीसी का, ये सब रह जाता है, लेकिन ऐसा अनयूज्ड चीज़ बहुत ही कम रहता है इतने सालों पुराना। मतलब एक दिन भी यूज़ नहीं हुआ था, एकदम जैसा लाया था मार्केट से वैसा ही रख दिया था। इसी से ही हम बनाते हैं, क्योंकि इसका जो हैंडल है ना, पकड़ने में आसानी रहता है। राहुल को बहुत बहुत पुश करने के बाद फाइनली ये हमारा डिसाइड हुआ कि अगले वीक हम लोग शॉपिंग करेंगे। हमारे विष्णुपुर का जो दुर्गा पूजा है ना, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पता है, आज से। आज तोप भी हुआ है और आज से स्टार्ट हो गया है मृण्मयी माता का जो मंदिर है उधर। तो हो गया है मेरा पीडियाश्योर रेडी, और ये देखिए, और इसके साथ मैं उसको देती हूँ एक हॉर्लिक्स बिस्किट। थिन आरूट भी ले लेता है, लेकिन हॉर्लिक्स बिस्किट मैं लेके आई थी तो पैकेट को ख़त्म करना था, तो इसके लिए एक ही लेता है वो। चलिए उसको पिला देती हूँ, उसके बाद फ्री होके आप लोगों से बहुत गप्पे मारेंगे। चलो, वही छा दे। छत पे आई हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वेदर इतना गर्म नहीं है आज। आज थोड़ा ठंडा ठंडा ही वेदर है, लेकिन छत में और ज़्यादा ठंडा लगता है, और ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। इसके लिए आई हूँ, बहुत दिनों के बाद आई हूँ इस टाइम पे। सुबह को तो आना होता ही है कपड़े सुखाने, कपड़े उठाने, लेकिन इस टाइम पे आना ज़्यादातर नहीं होता है। तो इसके लिए लॉकडाउन है, कहीं पर जा नहीं सकती हूँ, तो इसके लिए मैं आ गई हूँ छत पर। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरे सासू माँ का जो छत वाला गार्डन है वो, क्योंकि मेरी सासू माँ को ना वो पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो हमारा जो गार्डन है उधर भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाई हुई है, वो भी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। और छत में भी लगाया है बहुत कुछ, ज़्यादातर फ्लावर्स ही हैं, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। और राहुल का भी बहुत शौक़ है, मेरा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी लगा के ट्राई नहीं किया है, तो इसके लिए।
कितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया हुआ है छत पे, बहुत अच्छा लगता है। और पीछे ना देख, एक सेकंड, ये देखो ये जो बड़े वाले आप पेड़ देख रहे हो ना, मतलब आम का पेड़, नारियल का पेड़, ये सब हमारे छत पे आके ख़त्म होते हैं। मतलब नीचे से गार्डन में है और इसका जो झाड़ है, मतलब झाड़ी है, पत्ते हैं, वो सब छत में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। धूप के टाइम पे भी कभी कभी अगर आओ तो एकदम वहाँ पे वो शेड बना हुआ रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अभी आके बैठ गई हूँ और चीकू इधर खेल रहा है वो कपड़े सुखाने का जो क्लिप्स होते हैं ना, उनको लेके, तो बस बैठी हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जाऊँगी नीचे और कुछ खाना पीना भी करना होगा ना। और मैंने ना, मैं बताना ही भूल गई, कल मैं आपको बोल रही थी कि बालों का केयर करना है, तो देखेंगे, ये देखिए मैंने एक शैम्पू किया है, बाल इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, मैं क्या बताऊँ। एक बार ही किया कल, प्यू का शैम्पू था तो मैंने बोला एक बार दे दो, मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद अगर अच्छा होगा तो मैं खरीदूँगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्मेल इतना अच्छा था ना बॉटल का कि लग रहा था कि मैं खा लूँ जब नहा रही थी, इतना अच्छा स्मेल था। और बाल भी ना एकदम बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, वैसे ही मेरा बाल जो है एकदम पतले हैं, पतले उसके ऊपर इतने झड़ रहे हैं। चीकू भी हंस रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं एक बार लगाते ही। और जो बेस्ट पार्ट है वो कल से बाल जो है वो कम झड़ रहे हैं, मतलब 10-20% तो कम झड़ ही रहे हैं एक बार यूज़ करने से ही। तो बहुत ही अच्छा है शैम्पू, मैं भी ऑर्डर दूंगी, ऑर्डर जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। क्यों लो बेटा, हम का चाय ठीक कर दीजिए, तब मैं आपको बताऊंगी। मेरे जैसा हेयर का प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता है किसी का होगा, मतलब डैंड्रफ नहीं होता है। तो यहाँ हम का चम ठीक कर दीजिए, मतलब डैंड्रफ नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। पता है बच्चा होने के बाद तो झड़ना वो नेचुरल है, लेकिन फिर भी अभी क्यों, अभी तो ये 2 साल का हो गया है। मैंने तो सुना था कि 5-6 महीने के बाद ज़्यादा झड़ते हैं बाल, फिर तो अभी तो वो 2 साल का, 2.5 साल का होने वाला है, तो अभी भी झड़ रहे हैं। पता नहीं है कहाँ पर जाके रुकेंगे, पूरा का पूरा गंजा होने के बाद ही रुकेगा शायद। तो देखो गाइस, ऐसा अगर कोई कूदेगा तो उसको उसके पैर में दर्द नहीं होगा तो क्या मेरा होगा। चल देखो, दे अच्छे से देखो, एकदम जासना बड़ो कर लाया अच्छे। तो ऐसा अगर कोई कूदेगा तो पैर का क्या दोष बताइए। बाबाई तू अपनी झापस ना, हमें पार्टी तो पड़ब ना। बाबाई কাল কেউ রাত্রে ঘুমোয় নি, আজকে ঘুমোতে পারো হবে আমাকে, আমি নাহলে খেপা পাগলা হয়ে যাবো, দেখবি কালকে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। তো নিচে আ গই হু কিউকি রাহুল কা কফি বানানা হে। और मैं बोल रही थी ना कि मैं वोमेन हॉर्लिक्स पीना मैंने स्टार्ट किया है, एक पैकेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और ये दूसरा वाला पैकेट लाई हूँ। तो आगे का जो पैकेट था वो कौन सा फ्लेवर था मैं भूल गई थी, लेकिन ये जो है ये देखिए कैरमल फ्लेवर है। कैरमल वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये वाला कितना अच्छा टेस्ट में होगा वो मुझे पता नहीं है, देखती हूँ क्या होता है। और आपने अगर कैरमल ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। अभी हो जाता सत्यानाश, मैंने ना इसके ऊपर फ़ोन को रख के, मतलब स्टैंड को रख के मैं आप लोगों से बात कर रही थी और अचानक से ये खिसक गया और फोन मेरा एकदम नीचे हो जाता, ब्लॉग बंद। तो मैं ये बना लेती हूँ। और पापा ने फ़ोन किया, मतलब मेरी बापी ने, कि इमरजेंसी आना है,
एकदम इमिडिएट। तो मैं कॉफ़ी बना के राहुल को देके मैं जाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ वहाँ से आने के बाद। तो अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं ना थोड़ा सा कमरे को सेट करने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली ये जो डब्बा है इसके अंदर चिकू के 50% खिलौने हैं, मतलब जो छोटे छोटे ब्लॉक्स ये सब होता है ना, ये सब। तो चिकू क्या करता है, सारा ये जो बास्केट है इसको लेके माथे में इसको ऐसे गिरा देता है तो सारा सब कुछ एकदम पूरी जगह पे फैल जाता है और मुझे पूरा का पूरा दिन मेरा निकल ही जाता है सबको समेटने। तो इसके लिए मैंने ये देखिए, ये जो ममा आर्ट का बॉक्स था उस दिन आया था, ये एक इन सबको मैं लेके बैठी हूँ, सबको अलग अलग करूँगी। मतलब वो तो टीवी या मोबाइल देख के खाता नहीं है ना, तो खाने के टाइम जब मैं बिठाती हूँ तो मुझको कुछ ना कुछ खिलौना देके उसको बिठाना पड़ता है और सब कुछ एक साथ अगर रहता है तो मैं दे नहीं सकती हूँ, सब कुछ एक साथ गिरा देता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सबको अलग अलग कर दूँ, कि एक बास्केट दूँ उसको गिराऊँ उसको मैं उठा दूँगी, ऐसा करूँ। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया है वो प्लास्टिक का वो बास्केट्स, वो 4-5 का सेट आता है ना वो, क्योंकि ये जो है इसको ऐसे गिराएगा, इसके ऊपर चढ़ेगा और इसको 2 दिन में इसका सत्यानाश कर देगा। तो इसके लिए, तो अभी के लिए मैं इसको सबको अलग अलग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात करते करते ये कर लूँ, तो बात करना भी हो जाएगा और मतलब ये सब काम बात करते करते अगर करूँगी तो आसानी से हो जाएगा। उसके लिए मैं बैठी हूँ अभी। अभी अभी हम लोगों ने ना मूढ़ी खाया, माँ ने बेगुनी बना के दिया वो, और उसके साथ मूढ़ी, बेगुनी मूढ़ी चिकू भी खाया, मैं राहुल सब लोगों ने हम लोगों ने अभी भी खाया। तो पेट का एकदम जम हो गया है, तो पता नहीं है रात के लिए क्या बनाऊँ और क्या खाऊँ, मतलब कुछ खाने का भी मन ही नहीं है। तो देखती हूँ अगर उस टाइम पर भूख लगता है तो 2 रोटी बना दूँगी और उसके साथ देखती हूँ, फ्रिज में मिठाई भी है तो मिठाई के साथ अगर खाएगा तो खा लेगा या तो फिर जो बोलेगा वो बना देंगे, लेकिन अभी तो एकदम पेट में जगह ही नहीं है। शाम के टाइम पे कुछ भी हेवी खा लूँ ना, अगर लेट करके खा लूँ तो यही होता है मेरे साथ, मैं एकदम रात का खाना नहीं खा पाती हूँ। फिर भी घर का खाना तो फिर भी ठीक है, वो मूढ़ी ये सब अगर खाऊँगी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं फुचका या सब खा लेती हूँ ना तो उस दिन तो मेरा हो ही जाता है। जिस दिन सबसे जो परेशानी होता है कि जिस दिन बिरयानी और फ्राइड राइस इन सब का, मतलब रात में कुछ अच्छा कुछ खाने का प्लान होता है और मैं जाती हूँ मेरे पापा के घर शाम को, और पापा के घर के सामने थोड़ी दूर में एक फुचका गाड़ी बैठता है, तो वहाँ पे ना मैं एकदम बचपन से खाती हुई आई हूँ, तो उस वाले अंकल को अगर मैं देख लूँ तो मुझको एकदम मुँह से पानी टपकने मेरा लगता है और मुझे लगता है कि मुझे 1-2 तो खाना ही खाना है। और उसी दिन देख देख के मैं खा लेती हूँ ज़्यादा, मतलब 10 रुपये का ही खाती हूँ 6, लेकिन उससे ही मेरा पेट जो है एकदम भर जाता है, एकदम जाम हो जाता है, रात का बिरयानी जो है वो एकदम ख़राब हो जाता है मेरा, यही चलता है। मैं कितना कोशिश करती हूँ खुद को रोकने के लिए लेकिन फुचका हो नहीं पाता है। आज मेरा हालत एकदम खराब हो गया है, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से इतना साफ सफाई करके मैं एकदम मर जा रही हूँ। तो अभी डिनर करना है क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं। चिकू ने भी आज ठीक से खाना नहीं खाया, पता है, मतलब चावल थोड़ा सा हार्ड बन गया था तो उसको मैंने क्या किया, एक पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश करके दिया, और अभी तो 1 साल से वो पोटैटो मैशर से मैश करके नहीं खाता है, तो उसको दिया उसने नहीं खाया। वैसे तो अगर नरम होता है ना चावल तो मैं अच्छे से हाथ से ऐसे ऐसे लगड़ लगड़ के खिलाती हूँ तो खा लेता है, लेकिन पोटैटो मैशर आज मैंने 1 साल के बाद यूज़ किया, एकदम नहीं खाया। उसके बाद जब घर का चावल लेके आई वो भी नहीं खाया, मतलब उसका खाने से इंटरेस्ट ही चला गया था। फिर एक रोटी को रोल करके लेके आई, घी वी लगा के चीनी वीनी डाल के, तो हाफ ही खाया। अब इसको थोड़ा ज़्यादा दूध पिलाना होगा,
नहीं तो भूखा रह जाएगा। तो आप मुझको देख के ही समझ चुके होंगे कि मैं कितना एग्जॉस्टेड हूँ, देखिए मेरा हालत। तो इस वाले ब्लॉग को और कंटिन्यू नहीं करूंगी, यहाँ तक ही रखती हूँ। कल फिर मिलूंगी और एक न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए एंड टाटा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।